साझेदारों के क्रियात्मक प्रश्नों में आपने देखा होगा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में भी कुछ जानकारियां दी होती हैं। तो ये संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उनमें समायोजन किस प्रकार किया जाता है, यहाँ पर हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का जो लेखा होता है वो दो बातों पे निर्भर करता है कि जो भी प्रीमियम की राशि बीमा के रूप में चुकाई गई है उसकी अमाउंट कितना है, छोटी है या बड़ी है, या फिर हम अच्छे से इसको ये कह सकते हैं कि हम उसको आयगत मान के उसका भुगतान कर रहे हैं कि हम पूंजीगत मान के भुगतान कर रहे हैं। तो अगर हम इस प्रीमियम की अमाउंट को आयगत आगमगत मानते हैं तो, और अगर हम इसको पूंजीगत मान लेते हैं तो, दोनों ही कंडीशन में जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, और अगर जनरल एंट्रीज चेंज होती हैं तो फिर उसका कैपिटल अकाउंट पे भी अलग प्रभाव पड़ता है। तो आइए कुछ क्रियात्मक प्रश्नों के द्वारा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें। मनीष और नवनीत एक फर्म में समान साझेदार हैं। वे दुर्गेश को फर्म में नया साझेदार बनाने का निश्चय करते हैं। 31 दिसंबर 1995 को मनीष और नवनीत का चिट्ठा निम्न प्रकार था। दायित्व लेनदार क्रेडिटर्स 1000, देवी पत्र बिल्स पेबल 1000, पूंजी खाते कैपिटल्स मनीष 1700, नवनीत 1200, टोटल 4900, एसेट्स संपत्तियां रोकड़ कैश 600, देनदार डेटर्स 1500, स्कंद स्टॉक 1400, फर्नीचर 400, मशीनरी 1000, टोटल 4900। दुर्गेश के प्रवेश के पूर्व निम्न समायोजन करने थे। पहला, संदिग्ध ऋणों के लिए 300 रुपए का प्रावधान करना था। दूसरा, फर्नीचर पर 250 रुपए मूल्यांकित किया गया। तीसरा, विनियोग 400 रुपए जो चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया था पुस्तकों में दर्शाया है। चौथा, दुर्गेश पूंजी के 100 रुपए और ख्याति के 100 रुपए लाता है जिसे मनीष और नवनीत आहरण कर लेते हैं। उपयुक्त से पंजी प्रविष्टि और चिट्ठा बनाइए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि एक बैलेंस शीट दी गई है और साथ में कुछ समायोजन दिए गए हैं। मनीष और नवनीत दो साझेदार पहले से फॉर्म में थे, दुर्गेश को वो नए साझेदार के रूप में प्रवेश दे रहे हैं, और जब वो नए साझेदार के रूप में दुर्गेश को प्रवेश देते हैं तो कुछ समायोजन करने होते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है जनरल एंट्री पास करना है, तो हम देखते जाएंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किस किस तरह से हमको यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी है। तो एक पॉइंट यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हम क्योंकि कैपिटल की एंट्री कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि दुर्गेश जो है वो पूंजी के 1000 रुपये और ख्याति के 1000 रुपये लेकर आता है। तो जब हमने देखा था अपने वीडियो में कि जब कोई साझेदार ख्याति की राशि को नगद लेकर आता है, पूंजी की राशि को नगद लेकर आता है, तो हम जनरल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू दुर्गेश कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, और नरेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय दुर्गेश, और 1000 क्योंकि 1000 उसने कैपिटल लाई है तो कैपिटल के क्रेडिट में 1000, और 1000 गुडविल लाई है तो गुडविल के क्रेडिट में 1000, और इस प्रकार 2000 कैश लिख के डेबिट साइड में लिख के हम इस एंट्री को पास करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो उसने गुडविल की अमाउंट लाई है उस अमाउंट को जब हम जो हमारे पुराने जो पार्टनर हैं उनमें जब हम उनकी कैपिटल अकाउंट में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो हम उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और वैसे भी हमने जनरल एंट्री में देखा कि इस कंडीशन में जबकि गुडविल के अमाउंट को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है तो हम जनरल एंट्री पास करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल अकाउंट टू नवनीत कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि यहाँ पर 1000 उसने गुडविल के रूप में लेके आया है तो उसको जो पुराने साझेदार हैं उसमें जब हम बांटेंगे तो यहाँ दिया गया है कि वो बराबर के साझेदार थे, मनीष और नवनीत दोनों बराबर के साझेदार थे तो 1000 को हम इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मनीष और नवनीत में, तो 5500 इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा और गुडविल के डेबिट में 1000 आ जाएगा। अब हम चलते हैं रिवोल्यूशन की तरफ, यानी कि हम एडजस्टमेंट को देखते हैं
कि संपत्ति और दायित्व के मूल्य में क्या कमी और वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले एक पॉइंट दिया गया है कि संदिग्ध ऋण के लिए 300 रुपए का प्रावधान करना था, यानी एक बैड डेट प्रोविजन बनाना है। अब क्योंकि बैड डेट प्रोविजन जो है वो डेटर्स पे बनता है और डेटर्स हमारे लिए एसेट्स हैं, और प्रोविजन बनाना यानी इनकी वैल्यू को हमको कम करना है, डिडक्ट करना है, तो ये एक प्रकार से हमारे लिए लॉस है, इसलिए हम इसको रिवोल्यूशन के डेबिट में हम इसको लिखते हैं। और दूसरी चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्नीचर जो है वहां उसको हमको 250 पे रिवेल्युएट करना है, मूल्यांकित करना है, जबकि बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं फर्नीचर कितने का दिखा रहा है, 400 का दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम जो 400 का फर्नीचर 250 का हो गया, यानी कि 150 रुपीज इसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएट हो गई है, कम हो गई है। तो 150 से हम इसकी वैल्यू को कम कर देंगे। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे क्योंकि एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू कम होती है, यानी कि वो लॉस है, और लॉस है तो हम इसको डेबिट साइड में लिखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पर प्रॉपर एक जनरल एंट्री हो जाएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग बैड डेब्ट्स रिजर्व क्रिएटेड एंड डेप्रिसिएटेड फर्नीचर। तो बैड डेब्ट रिजर्व हमने देखा 300 है, फर्नीचर जो डेप्रिसिएट हो रहा है वो 150 पे हो रहा है, इस दोनों को हम क्रेडिट में लिख देंगे, और रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में हम लिख देंगे 450। एक हमने पॉइंट देखा था एडजस्टमेंट में कि एक ऐसा विनियोग है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया, अब हम उसको दर्शा देते हैं, यानी कि एक नया इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ जा रहा है, और क्योंकि एक प्रकार की हमारे लिए संपत्ति है, यानी हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है, ये 400 का विनियोग बढ़ गया, तो इसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, और नरेशन हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट नॉट शोन इन बैलेंस शीट, 400 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और अगर हम रिवोल्यूशन अकाउंट अगर बनाते तो हम देखते हैं कि इसका बैलेंस क्या आता। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डेबिट जो रिवोल्यूशन दिखाई दे रहा है वो 450 दिखाई दे रहा है, और क्रेडिट जो रिवोल्यूशन दिखाई दे रहा है वो 400 दिखाई दे रहा है, यानी 450 माइनस 400, 50 रुपीज जो है वो रिवोल्यूशन का यहाँ पर बैलेंस दिखाई दे रहा है, और वो भी देख रहे हैं कि डेबिट में ज्यादा है क्रेडिट में कम है, यानी क्रेडिट साइड में ये आएगा बैलेंस। तो यहाँ पर हम ये जो 50 रुपीज का बैलेंस आ रहा है उसको पुराने साझेदारों में अगर बांट देंगे तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, और 25-25 से हम इसकी एंट्री कर देंगे, और फिर हम इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट है उसको हम ध्यान में रखते हुए इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इस बैलेंस शीट को बना लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैश जो है एसेट साइड में कैश वो जो क्वेश्चन में है वो 600 दिया है, इसमें हम 1000 कैश और प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो नया साझेदार है वो 1000 कैपिटल और 1000 गुडविल के रूप में कैश के रूप में वो ला रहा है, लेकिन गुडविल के जो अमाउंट है उसको तो हम पुराने साझेदारों को दे देते हैं, लेकिन कैश जो एज अ कैपिटल लाया है वो अभी भी फॉर्म में है, यानी ये 1000 और पहले से फर्म में जो 600 की कैश थी दोनों मिला के 1600 यहाँ पर कैश हो गया है हमारे पास। डेटर्स हम देख रहे हैं कि 1500 के हमारे शो हो रहे हैं, लेकिन एक एडजस्टमेंट दिया था कि इसमें से 300 बैड डेब्ट्स रिजर्व बनाना है, तो रिजर्व हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमको डेटर्स मिलेगा 1200 का। उसके बाद स्टॉक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है तो एज इट इज हम लिख देंगे जो कि हमारे पुराने बैलेंस शीट में दिया गया है 1400। फर्नीचर हम यहाँ पर देख रहे हैं फर्नीचर 400 दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट में हमने देखा कि अब उसकी वैल्यू को कम करके 250 ही लिखना है, यानी हमको यहाँ पर 150 इसमें डेप्रिसिएशन शो करना है, माइनस करना है, और फाइनल अमाउंट के रूप में हमको 250 बैलेंस शीट में लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं मशीनरी दी गई है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो मशीनरी के अमाउंट हम 1000 लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट दिया गया है, इन्वेस्टमेंट के बारे में हम देख रहे हैं कि एडजस्टमेंट में दिया था इन्वेस्टमेंट अब 400 का, पहले हमने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं नहीं लिखा था लेकिन अब हमको लिखना है, तो एक नया पॉइंट हम यहाँ पर जोड़ देंगे इन्वेस्टमेंट 400। अब हम लायबिलिटी साइड में आ जाए तो हम देख रहे हैं क्रेडिटर दिया गया है जिसमें किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1000 हम एज इट इज लिख देंगे। बिल्स पेबल दिया गया है वो 1000 हम लिख देंगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कैपिटल जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था उसके अकॉर्डिंग जब हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमको मनीष का बैलेंस मिलेगा 1675,
नवनीत का बैलेंस मिलेगा 1175, और दुर्गेश क्योंकि नया जो है 1000 कैपिटल ला रहा है तो उसका हम 1000 लिखेंगे। तो कैपिटल के कैलकुलेशन के लिए जनरल एंट्री के बेस पे हम एक रफली कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, या हम चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैपिटल भी फाइंड आउट कर लेंगे। जब कभी भी प्रश्न में दिया रहता है कि केवल पंजी प्रविष्टि कीजिए और बैलेंस शीट बनाइए, तो वहां पर हमको अलग से कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कैपिटल का बैलेंस लिखा कितना जाए इसकी कैलकुलेशन हम चाहें तो रफली कर सकते हैं, रफली एक कैपिटल अकाउंट बना के कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट का जो टोटल है वो पूरी बैलेंस शीट हमारी 5850 पे क्लोज हो जाती है। अब हम देखें संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। जैसे कि हमने पहले भी अपने वीडियोस में देखा था कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म में पहले से जो संपत्ति और दायित्व विद्यमान रहते हैं उनको रिवेल्युएट करना पड़ता है, उनका फिर से मूल्य आंकना पड़ता है। और ऐसे कंडीशन में बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, यानी कि अगर हम संपत्तियों को रिवेल्युएट करते हैं तो हो सकता है कि कुछ संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो जाए, उनका मूल्य बढ़ा हुआ हमको दिखाई दे, और ये भी हो सकता है कि कुछ संपत्तियों के मूल्य कम हो जाए। दूसरी कंडीशन में अगर हम लायबिलिटीज़ की बात करें, दायित्वों की बात करें, तो यहाँ पे भी ये दोनों कंडीशन संभव है। कुछ दायित्वों के मूल्य हमको बढ़े हुए दिखाई देते हैं और इसी रिवेल्यूशन में कुछ दायित्वों के मूल्य हमको घटे हुए दिखाई देते हैं। अब इन सारी प्रक्रियाओं में यहाँ पे हमको चार तरह की कंडीशन मिलती है, संपत्तियों के मूल्य में कमी और वृद्धि, दायित्वों के मूल्य में कमी और वृद्धि। तो इन चारों कंडीशन में कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह से जनरल एंट्री हम करते हैं, इसको हमने पहले भी अपने वीडियोस में देखा है। तो आइए इन्हीं के आधार पर हम कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। सुधीर तथा विशाल एक फर्म में साझेदार हैं जो 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 2007 को उनका चिट्ठा निम्न था, दायित्व लाइबिलिटी लेनदार सन्ड्री क्रेडिटर्स 65,900, कैपिटल सुधीर के लिए है 30,000 और विशाल की है 20,000, संपत्ति दी गई है बैंक में रोकड़ कैश एट बैंक 1,200, देनदार सन्ड्री डेटर्स 9,700, प्लांट एवं मशीनरी 35,000, बिल्डिंग भवन 50,000, स्कंद स्टॉक 20,000, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 1,15,900। उन्होंने पंकज को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाना स्वीकार किया। पहला, पंकज को लाभ का 1/3 हिस्सा मिलेगा और वह 15,000 रुपये पूंजी के तथा 6,000 रुपये अपने हिस्से की ख्याति के देगा। दूसरा, प्लांट तथा मशीनरी और स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी की जाएगी तथा भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाएगी। तीसरा, विविध देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए संचय किया जाएगा। छठवा, ख्याति की राशि फर्म की पुस्तकों में नहीं रहेगी, आप लाभ हानि समायोजन खाता व साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। सबसे पहले हम देख लें कि इस प्रश्न में क्या हमको नया करना है। जहां पर हर प्रश्न में परिवर्तन आता है, हमको देखना पड़ता है कि ख्याति के रूप में नए साझेदार ने जो राशि लाई है, क्या वो राशि फॉर्म में रहेगी या उसको निकाल लिया जाएगा। तो एक चीज तो यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है कि ख्याति की राशि फर्म की पुस्तकों में नहीं रहेगी, यानी कि पुराने साझेदार उसको आहरित कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है बहुत सारे संपत्ति और दायित्व है जिनके मूल्य में कमी और वृद्धि हुई है, यानी कि हमको रिवोल्यूशन अकाउंट में उसको शो करना है। तो सबसे पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट बना लें। रिवेल्यूशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाते के लिए हमको जो समायोजन में प्रविष्टियां दी जाती है उससे जो भी पॉइंट दिए गए उसको हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। पहला पॉइंट जो दिया गया है, पंकज अपने लाभ के लिए जो पूंजी या ख्याति लाता है उसको अभी हम यहाँ रेवोल्यूशन में कहीं नहीं लिखते हैं। सेकंड पॉइंट में हम देख रहे हैं प्लांट तथा मशीनरी और स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी हुई है।
तो प्लांट और मशीनरी दोनों ही हमारे लिए संपत्ति है, एसेट्स है, और अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो वहां पर हमको हानि होती है, और क्योंकि ये हानि है इसलिए हम इसको रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट की वैल्यू कितनी है। प्लांट दिया है यहाँ पर 35,000, तो 35,000 का 10% हमको लिखना है रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्लांट, और 3,500 हमको यहाँ पे लिखना है डेबिट साइड में अमाउंट में। फिर हम देख रहे हैं स्टॉक के मूल्य में भी कमी हुई है, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हुई है, 10%। यहाँ पर बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दिया हुआ है, 20,000, तो 20,000 का 10% हम कैलकुलेट कर ले, 2,000 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तो भवन क्योंकि हमारे लिए एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो हमको लाभ होता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो रिवेल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो 50,000 है, तो 50,000 का 20% हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले, 10,000 रुपीज हमको रिवेल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। आगे बढ़ते हम देखते हैं थर्ड पॉइंट जो है, विविध देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो डेटर्स हम देख रहे हैं कितने के हैं हमारे, 9,700, और क्योंकि डेटर्स हमारे लिए संपत्ति है, संपत्ति का मूल्य यहाँ पर कम होगा जब हम उस पर प्रोविजन बनाएंगे, और ऐसी कंडीशन में हमको क्योंकि लॉस हो रहा है, और इसलिए हम इसको रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व। तो बैड डेब्ट्स रिजर्व हम कैलकुलेट कर ले, 9,700 का 5%, 485 रुपीज हमको बैड डेब्ट रिजर्व डेबिट साइड में लिखना है। इसके अलावा किसी प्रकार के कोई ऐसी समायोजन हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है जिसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखें, तो यहाँ पर हम रिवोल्यूशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्रेडिट टोटल है वो डेबिट से ज्यादा दिखाई दे रहा है, 10,000 का यहाँ पर हमको क्रेडिट टोटल दिखाई दे रहा है, इसमें से हम डेबिट बैलेंस को माइनस कर दें, तो यहाँ पर 10,000 में हम 3,500, 2,485 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमको बैलेंस मिल जाता है 4,015। तो 4,015 को हमको जो पुराने जो पार्टनर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 2:1 के रेशियो में, तो 4,015 को हम 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एस को करेंगे तो सुधीर को मिलेगा 2,677 और विशाल को मिलेगा 1,338। तो इस तरह से हमारा ये रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। अब हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट हम देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी गई है वहां पर कैपिटल का बैलेंस क्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपिटल का बैलेंस है सुधीर के हिस्से में 30,000 और विशाल के हिस्से में 20,000, ये हम सबसे पहले लिख देंगे क्रेडिट साइड में क्योंकि कैपिटल बैलेंस है ये। उसके बाद हम सबसे फर्स्ट पॉइंट देखें अपने एडजस्टमेंट का कि पंकज को लाभ का 1/3 हिस्सा मिलेगा और वह 15,000 रुपये पूंजी के और 6,000 रुपये अपने हिस्से की ख्याति के देगा, यानी कि वो एज ए कैपिटल कितना ला रहा है फर्म में, 15,000, और हमने देखा था इस कंडीशन में हम जनरल एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर हम न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश और 15,000 के अमाउंट यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद इसी में दिया गया है कि 6,000 वो गुडविल के लिए लाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जब वो गुडविल के लिए लाता है तो उस अमाउंट को भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि जब जनरल एंट्री हम करते हैं तो वहां हम जनरल एंट्री करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और 6,000 के अमाउंट को हम दो साझेदारों में बांट कर लिखेंगे 2:1 में, तो 4,000 और 2,000 रहेगा, और फिर तुरंत के तुरंत हम एक एंट्री पास कर दें अपोजिट इसके लिए, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि ख्याति की राशि फॉर्म में नहीं रहेगी, तो ऐसी कंडीशन में ख्याति की राशि को हम फॉर्म से निकाल दें यानी कि पुराने साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ऐसी कंडीशन में हम जनरल एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और ओल्ड जो पार्टनर है सुधीर और विशाल उनको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ डेबिट साइड में हम लिखेंगे 4,000 और 2,000, और फिर हम उसके बाद हम एक पॉइंट हमारा बच जाता है रिवोल्यूशन का, तो
तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में हम फिर इसका जो बैलेंस है 2677 और 1338 उसको हम क्रेडिट साइड में कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे और कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। बैलेंस हम देखते हैं कि सुधीर का जो क्रेडिट टोटल है वो है 36677, इसमें से हम डेबिट साइड का 4000 माइनस कर देते हैं तो हमको बैलेंस मिल जाता है 32677। विशाल के हिस्से का हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट टोटल है 23338, इसमें से हम डेबिट साइड का 2000 माइनस कर देते हैं तो ये हमको मिल जाता है 21338। और नया साझेदार जो पंकज आया है उसके हिस्से का हम देख रहे हैं कि दोनों साइड का जो है 15000 उसने जो कैपिटल लाई है उसको हम उसकी एंट्री यहाँ पर किए हैं। तो टोटल करके इस प्रकार हम यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। पुनर्मूल्यांकन के साथ साथ कई बार पूंजी के समायोजन की जरूरत भी पड़ती है। ये मान लिया जाता है कि भाई जिसका भाग ज्यादा है, जिसका हिस्सा ज्यादा है जिस साझेदार को, उसको ज्यादा पूंजी लानी चाहिए और जिस साझेदार के लाभ का हिस्सा कम है उसको कम पूंजी उसकी होनी चाहिए। यहाँ पर जरूरत पड़ती है किसी साझेदार से अतिरिक्त पूंजी मांग लेने की या किसी साझेदार को कुछ एक्स्ट्रा अगर उसके हिस्से में बन रहा है तो वो पूंजी उसको वापस कर देने की। लेकिन ओवरऑल हमको एक बड़ा कैलकुलेशन करके इस समायोजन की राशि को हमको निकालना पड़ता है और उसके बाद हम जनरल पोस्टिंग या फिर डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र के आधार पर हम पूंजी का समायोजन करते हैं। ये पता लगाते हैं कि किस पार्टनर को हमको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है एज ए कैपिटल और किस पार्टनर से हमको कैपिटल के जो एक्सेस अमाउंट है उसको हमको उससे लेनी है। तो इस पूरे विधि को समझने के लिए आइए कुछ उदाहरणों को देखें। राम और कृष्ण साझेदार हैं जो लाभालाभ का विभाजन क्रमशः 3/4 और 1/4 के अनुपात में करते हैं। उनका चिट्ठा 31 दिसंबर 2006 को निम्नानुसार था। दायित्व लाइबिलिटीज सन्ड्री क्रेडिटर्स 37,500, कैपिटल राम 40,000, कृष्ण 10,000, एसेट्स कैश इन बैंक 22,500, बिल्स रिसीवेबल 3,000, डेटर्स 16,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000, फर्नीचर 1,000, बिल्डिंग 25,000, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 87,500। 1 जनवरी 2007 को उन्होंने गौतम को निम्न शर्तों पर साझेदारी में शामिल किया। पहला, गौतम व्यापार में हिस्सा लाभ के लिए 30,000 रुपये पूंजी के लाएगा। दूसरा, ख्याति खाता 20,000 रुपये से नई फर्म की पुस्तकों में खोला जाएगा। तीसरा, अंतिम स्टॉक तथा फर्नीचर का 10% से अवमूल्यन किया जाएगा तथा डूबत ऋण संचिति के लिए देनदारों पर 5% संचय किया जाएगा। चौथा, भवन के मूल कीमत में 20% की वृद्धि की जाएगी। पांचवा, सभी साझेदारों के पूंजी खातों का लाभ विभाजन के अनुपात में समायोजन किया जाएगा। अतिरिक्त पूंजी की रकम बैंक से तुरंत निकाल ली जाए। उपयुक्त के अनुसार पहला, आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। दूसरा, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। तीसरा, साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। चौथा, नई फर्म का प्रारंभिक चिट्ठा बनाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रिवेल्युएशन अकाउंट बना लें जिसमें हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग स्टॉक फर्नीचर बैड डेब्ट्स इनके मूल्य में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने प्रश्न में कि सबसे पहले दिया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक और फर्नीचर जो है वो 10% से डेप्रिसिएट हो गया और डूबत ऋण जो है वो डेटर्स पे 5% हमको प्रोविजन करना है। तो ये तीनों ही हमारे लिए लॉस है क्योंकि एसेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है, डेटर्स पे हम 5% प्रोविजन बना रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट हमारे लिए लॉस है। तो क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, इसका हम 10% कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 2,000 हम यहाँ डेबिट में लिख देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के। फर्नीचर यहाँ पर दिया गया है 1,000, इसको हम 10% डेप्रिसिएट करेंगे 100 आएगा, ये हम रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। डेटर्स है हमारे 16,000, इस पे हम 5% प्रोविजन बनाएंगे तो 800 हमको यहाँ प्रोविजन बनेगा और ये भी हमारे लिए लॉस है तो ये भी हम डेबिट में लिखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कि भवन जो बिल्डिंग जो है उसकी जो वैल्यू है वो 20% इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो क्योंकि ये एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बिल्डिंग है 25,000, 20% इंक्रीज हो जाता है तो 5,000 हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे। और रिवोल्यूशन अकाउंट का हम बैलेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड में 5,000 टोटल है और डेबिट में जो है वो इससे कम है, 2,900 है। माइनस कर देंगे तो हमको बैलेंस मिलेगा 2,100। इसको हम जो हमारे जो पार्टनर है पुराने आर और के, उसमें इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है 3/4 एंड 1/4 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए के हिस्से की कैपिटल आएगी 1,575 और बी के हिस्से की कैपिटल आएगी 525, यानी टोटल 2,100 हो जाएगा और टोटल 5,000 से हम रिवोल्यूशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में कैपिटल का, वो हम ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट में। जो पुराने पार्टनर है उनका बैलेंस दिया है वो हम यहाँ क्रेडिट में लाएंगे बाय बैलेंस बीडी, और आर के हिस्से में है ये 40,000 और के हिस्से में 10,000। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो नया पार्टनर है अब वो अपने हिस्से की पूंजी के लिए 30,000 ला रहा है, तो उसके हिस्से की जब पूंजी के लिए वो पैसे लाएगा तो यहाँ पर क्योंकि उसने 30,000 कैश लाई है, लेकिन उसके जस्ट बाद वाले पॉइंट में बोला गया है कि 20,000 से यहाँ पे ख्याति खाता भी खोला गया, यानी कि हम ये मान लेंगे कि एज अ कैपिटल उसने केवल 10,000 ही फॉर्म में लेके आया है, तो इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कैश 10,000 जी जो कि नया पार्टनर है उसके हिस्से में। फिर हम देख रहे हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल दिया हुआ है 20,000। इस 20,000 को हम जो पुराने पार्टनर है उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो पुराना रेशियो इसमें दिया रहता है उसमें। तो यहाँ पर हम 20,000 को राम और कृष्ण में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो दोनों को राम को मिलेगा 15,000 और कृष्ण को मिलेगा 5,000। तो प्रॉपर अगर हम जनरल एंट्री देखें तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू कृष्ण कैपिटल अकाउंट, और राम को मिलेगा 15,000, कृष्ण को मिलेगा 5,000। और इस जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और राम के हिस्से में हम लिखेंगे 15,000 और कृष्ण के हिस्से में हम लिखेंगे 5,000। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था उस बैलेंस के आधार पर हमको ये पता लगाना है कि किस पार्टनर को किसकी कितनी अमाउंट हमको एक्सेस देनी है और कौन सा पार्टनर हमको कितनी अमाउंट एक्सेस उसे हमको लेना है। उसके पहले हम यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट का जो कैपिटल का बैलेंस है वो हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, जिसको हम यहाँ अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे राम के हिस्से में 1,575 और कृष्ण के हिस्से में 525। अब हम इसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस की कैलकुलेशन कर लें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नया साझेदार जो है वो 1/5 भाग के लिए आया है, और इसके आधार पर हम फर्म की कुल पूंजी निकालेंगे। 1/5 भाग के लिए वो 10,000 रुपए कैपिटल के रूप में लाया है, पूंजी के रूप में लाया है, तो फिर फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी। 1/5 भाग के लिए अगर वो 10,000 लाता है, मतलब फर्म का कुल भाग अगर 5 है तो 10,000 × 5 यानी फर्म की कुल कैपिटल टोटल कैपिटल जो है वो 50,000 है। अब इस 50,000 को हम जो तीनों पार्टनर हैं नए और पुराने मिला के उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी हम कुल भाग को 1 मान लेंगे और 1 में से हम 1 मान लेंगे और 1 में से हम जो नए पार्टनर का रेशियो है यानी 1/5 उसको माइनस कर देंगे। हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर बहुत सारे जो मेथड होते हैं न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के, उसमें अलग अलग कंडीशंस दी होती हैं, लेकिन अगर कोई भी कंडीशन नहीं दी है तो हमको फर्स्ट मेथड जब पुराना अनुपात यथावत रखा जाए इस मेथड को हमको फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे, हमको बैलेंस मिलेगा 3/4।
इसको हम पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर राम का हिस्सा आ जाएगा 4/5 इंटू 3/4 इक्वल टू 3/5, और कृष्ण का हिस्सा आ जाएगा 4/5 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/5, और नया जो पार्टनर है उसका हिस्सा ऑलरेडी हम देख रहे हैं 1/5 है। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हो गया 3:1:1, और 50,000 को हम 3:1:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो राम के हिस्से में आता है 30,000, कृष्ण के हिस्से में आता है 10,000, और नया जो पार्टनर है गौतम उसके हिस्से में आता है 10,000, जो कि हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लेंगे। अब हम कंपेयर करें तो देख रहे हैं कि राम के हिस्से में क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 56,575, और इसका कैपिटल होना चाहिए 30,000, यानी एक्सेस इसके पास है 26,575। ये अमाउंट हम इसको वापस कर देते हैं कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश अकाउंट 26,575, यानी ये ले जाएगा इतनी अमाउंट को। और उसके बाद हम देखते हैं कृष्ण के हिस्से का जो क्रेडिट टोटल है वो है 15,525, तो ये भी ज्यादा है क्योंकि इसके हिस्से की कैपिटल बन रही है केवल 10,000, तो हम इसको 5,525 वापस कर देते हैं, यानी कि डेबिट में हम टू कैश में लिख देंगे कृष्ण के हिस्से में 5,525, और गौतम तो नया पार्टनर है तो उसकी अमाउंट वैसी की वैसी रहेगी, और इस तरह से हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस जो दिया गया है, यहाँ पे हम अगर अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखें तो उसमें बैंक बैलेंस है 22,500, और प्लस इसमें 10,000 जो कैपिटल के लाता है नया साझेदार वो हम ऐड कर लें, 20,000 जो गुडविल का लाता है वो हम इसमें ऐड कर लें, और इसमें हमको एक चीज माइनस भी करनी है, ये जो हमने राम और कृष्ण को 26,575 प्लस 5,525 दिया है, यानी टोटल 32,100 इनको वापस किया है, ये हम इसमें माइनस कर दें तो हमारा बैलेंस बचता है 20,400। बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर 3,000 दिया है वो हम लिख लेंगे। डेटर्स पुरानी बैलेंस शीट में 16,000 के दिए हैं, लेकिन हमने रिवॉल्यूशन में 800 का प्रोविजन बनाया था वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो डेटर्स का यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 15,200। स्टॉक हमारी पुरानी बैलेंस शीट में दी हुई है 20,000 की, जिसमें डेप्रिसिएशन हमने लगाया था रिवॉल्यूशन अकाउंट में 2,000, वो हम माइनस कर देंगे तो ये 18,000 हमको मिलेगा। फर्नीचर हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में 1,000 था, इसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दे 100 तो ये 900 हो जाएगा। बिल्डिंग हमारी पुरानी बैलेंस शीट में 25,000 की है, और इसमें एप्रिसिएशन होता है, इंक्रीज होती है इसकी वैल्यू 5,000 से, तो ये हो जाएगा 30,000। ऐसे ही लाइबिलिटी में हमने देखा क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं है, 37,500 हम उसको एज इट इज लिख लेते हैं, और कैपिटल जो कि हमने कैलकुलेट किया था वो हम यहाँ पर लिख देंगे राम के हिस्से की 30,000, कृष्ण के हिस्से की 10,000 और गौतम के हिस्से की 10,000, यानी टोटल 50,000, और यहाँ पर हम इस बैलेंस शीट को 87,500 से क्लोज कर देंगे। आशीष और दत्ता एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 1 जनवरी 2015 को वे 1/5 भाग के लिए विमल को फर्म में प्रवेश देते हैं। 1 जनवरी 2007 को आशीष व दत्ता का चिट्ठा इस प्रकार है, दायित्व लायबिलिटी में लेनदार क्रेडिटर 15,000, देय विपत्र बिल्स पेबल 10,000, पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट आशीष का है 80,000 और दत्ता का है 35,000। संपत्तियां हम देख रहे हैं भूमि व भवन लैंड एंड बिल्डिंग 35,000, संयंत्र प्लांट 45,000, देनदार डेटर्स 22,000 माइनस प्रोविजन 2,000 टोटल 20,000, स्कंध स्टॉक 35,000, रोकड़ कैश 5,000, टोटल ऑफ बैलेंस शीट
40,000। पहला, भूमि और भवन के मूल्य में 15,000 रुपए की वृद्धि हुई। दूसरा, संचय के मूल्य में 10,000 रुपए से वृद्धि हुई। तीसरा, फर्म की ख्याति की कुल पूंजी की गणना 20,000 रुपए की गई है। चौथा, विमल फर्म के कुल पूंजी के 1/5 भाग के बराबर पूंजी लेकर आएगा। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए और विमल के प्रवेश के पश्चात चिट्ठा तैयार कीजिए। इस प्रश्न में हमको कुछ जनरल एंट्री देनी है और उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है। तो हमको, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए क्लोजिंग कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी और कैपिटल अकाउंट अगर हमको तैयार करना है तो हमको रिवोल्यूशन के बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जनरल एंट्री देंगे और उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल एंट्रीज। जब हम एडजस्टमेंट देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि भूमि और भवन के मूल्य में 15,000 रुपए वृद्धि हुई है। तो क्योंकि ये वृद्धि है एक प्रकार की, तो ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं प्लांट के मूल्य में 10,000 रुपए की वृद्धि हुई है, तो वो भी हम रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट है। तो इन दोनों के लिए हम इक्वल एक जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। और लैंड एंड बिल्डिंग में वृद्धि हुई है 15,000 की, तो वो हम डेबिट में लिख देंगे। प्लांट में वृद्धि हुई है 10,000 की, तो वो हम डेबिट में लिख देंगे। और रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में हम 25,000 लिख देंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पे एक नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। उसके आगे हम देख रहे हैं कि फर्म की ख्याति की कुल पूंजी की गणना 20,000 रुपए के बराबर की गई है। यानी यहाँ पर टोटल गुडविल जो है उसकी कैलकुलेशन करके दे दी गई है, जिसको कि हम बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक पॉइंट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर हम रिवोल्यूशन एक अकाउंट तैयार करते हैं, क्योंकि और कोई पॉइंट्स यहाँ पर है नहीं, लेकिन रिवोल्यूशन अकाउंट अगर हम तैयार करते हैं तो ये जो टोटल 25,000 हमको रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाई दे रहा है, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डेबिट में ला के आशीष और दत्ता में। तो इसी 25,000 को जब हम डेबिट में ले आएंगे और एज ए कैपिटल हम इसको आशीष और दत्ता को, इनका जो रेशियो यहाँ पर दिया गया है 3:2, उसमें अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो आशीष को मिलता है 15,000 और दत्ता को मिलता है 10,000। तो इसकी हम एक जनरल एंट्री पास कर दें तो यहाँ पर ये जनरल एंट्री हो जाएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट 15,000 टू दत्तास कैपिटल अकाउंट 10,000। ये टोटल 25,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक जो बात कही गई है कि विमल फर्म की कुल पूंजी के 1/5 भाग के बराबर पूंजी लेके आएगा, लेकिन फर्म की कुल पूंजी कितनी है ये हमको ज्ञात नहीं है। यानी हमको यहाँ पर नया काम क्या करना है, यहाँ हमको फर्म की कुल पूंजी की गणना करनी है, जिसे हम कहते हैं यथेष्ट पूंजी की गणना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि विमल कितने भाग के लिए आ रहा है, 1/5 भाग के लिए आ रहा है। तो यहाँ हम सबसे पहले एक नए लाभानि विभाजन अनुपात की गणना कर ले। तो क्योंकि विमल जो है वो 1/5 भाग के लिए आ रहा है, तो 1 में से हम 1/5 माइनस कर देंगे। हमने लाभ हानि विभाजन अनुपात की कैलकुलेशन के बहुत सारे कंडीशन देखे थे, तो यहाँ पर किसी भी जानकारी के अभाव में हम फर्स्ट जो हमारी कंडीशन होती है जिसमें पुराना अनुपात यथावत रखा जाए ये मानकर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हम कुल भाग को 1 मानते हुए 1 में से 1/5 जो विमल का भाग है वो माइनस कर देंगे। यानी 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5। तो जो रिमेनिंग शेयर है, बचा हुआ जो भाग है, वो 4/5 यानी 4/5 आ जाता है। अब इससे हम आशीष का न्यू शेयर निकाल ले तो ये हो जाएगा 4/5 × 3/5, क्योंकि जो आशीष है उसका पुराना रेशियो था 3/5, 3:2 के लिए 3/5। तो ये हो जाएगा 12/25। और वैसे ही दत्ता के लिए हो जाएगा 4/5 × 2/5 यानी 8/25। और विमल का शेयर तो हम देख ही रहे कि 1/5 है, लेकिन हर को 25 हमको करना है रेशियो, अगर हमको लिखना है यहाँ पर, तो हर जो है 5, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो अंश को भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5/25, यानी हम इसको लिख सकते हैं न्यू रेशियो 12:8
6:5। अब हम देखें कि इस फर्म की जो कैपिटल है उसको ओल्ड पार्टनर में कैसे एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बना ले। कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस इसका ट्रांसफर करेंगे, जो कि बैलेंस शीट में दिया गया है। बाय बैलेंस बीडी आशीष का है 80,000 और दत्ता का 35,000। उसके बाद हम रिवोल्यूशन का बैलेंस देख लें, जो कि आशीष के हिस्से में आया है 15,000 और दत्ता के हिस्से में आया है 10,000। और फिर हम देखें कि ख्याति का क्या करना है हमको यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म की कुल ख्याति जो है वो 20,000 है। तो इसमें फिर जो नया साझेदार है विमल, उसका हिस्सा कितना है 1/5, तो 20,000 × 1/5 यानी 4,000। नया साझेदार 4,000 लेकर आया है गुडविल के लिए, तो उसको हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे बाय विमल। आशीष के हिस्से में हम 2,400 और दत्ता के हिस्से में 1,600, क्योंकि 4,000 जो विमल के हिस्से की कैपिटल आ रही है उसको हम पुराने साझेदारों में 3:2 जो कि पुराना रेशियो है उसमें बांट कर यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हमको निकालना है कि एक्चुअल वो कैपिटल क्या है जो विमल लेकर आए हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल है, क्योंकि डेबिट में तो कोई पॉइंट आया नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का आशीष के हिस्से का जो टोटल है वो हमको दिखाई दे रहा है 97,400 और दत्ता के हिस्से में जो कैपिटल है वो हमको दिखाई दे रही है 46,400। यानी टोटल अभी तक की हमारे पास जो कैपिटल है वो है 1,44,000। कितने भाग की कैपिटल है ये? 4/5 भाग की, है ना, शेष भाग की। तो अगर शेष भाग की जो कैपिटल है वो 4/5 है, तो फिर टोटल कैपिटल कितनी है? तो इसके लिए हम इसको 1,44,000 को 5/4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,80,000। अब ये हमको न्यू कैपिटल मिल गई फर्म की 1,80,000। तो अगर फर्म की टोटल कैपिटल 1,80,000 है, तो विमल का हिस्सा कितना होगा इसमें? 1/5, यानी कि 36,000 जो है विमल वो लेकर आएगा। तो 36,000 को यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 36,000। अब हमारे जो कैपिटल अकाउंट है ये यहीं पे क्लोज हो जाता है। पूरा का पूरा जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो हम डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस सीडी करके। तो आशीष के हिस्से में आएगा 97,400, दत्ता के हिस्से में आएगा 46,600 और विमल के हिस्से में आएगा 36,000। अब हम जनरल एंट्री में चले जाएं और इसकी हम एक जनरल एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट। विमल एज ए कैपिटल जो अमाउंट लेकर आ रहा है उसके लिए हम एंट्री करेंगे और 36,000 से, और नरेशन यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग 1/5 शेयर इन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर। और एक एंट्री जो हमने गुडविल की कैलकुलेशन की थी वो एंट्री भी हम यहाँ पर पास कर देंगे, विमल्स करंट अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू दत्ता कैपिटल अकाउंट। और वो जो 4,000 के अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट में लिखी थी वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे आशीष के हिस्से में 2,400 और दत्ता के हिस्से में 1,600 और टोटल 4,000। इस तरह से हमारा ये जनरल एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। हमने रिवोल्यूशन अकाउंट भी एक बना लिया और साथ ही साथ हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। तो बैलेंस शीट हम सबसे पहले देख रहे हैं कि पुरानी बैलेंस शीट में हमारी लैंड एंड बिल्डिंग के जो अमाउंट दी गई है वो है 35,000 और इसमें इंक्रीमेंट जो हुए हैं उसको भी अगर हम जोड़ देते हैं, जैसे कि 15,000 जो है वो इंक्रीज हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग में और 10,000 जो इंक्रीज हुआ है प्लांट में, तो हमारे अब लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगी 50,000 की और प्लांट हमारा हो जाएगा 55,000 का। डेटर्स हमारे दिए गए हैं 22,000 और उसमें प्रोविजन मेंटेन है 2,000 का, यानी टोटल ये 20,000 के डेटर्स हैं। स्टॉक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो स्टॉक जो पहले से था 35,000 वही रहेगा। कैश हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कैश जो था वो 5,000 था और प्लस 36,000 जो नया पार्टनर है वो लेकर आ रहा है कैपिटल के रूप में, तो अब यहाँ पर हम कैश शो करेंगे 5,000 प्लस 36,000 यानी कि 41,000 और साथ में विमल जो गुडविल के लिए लेके आ रहा है 1/5 से का 4,000 वो हम यहाँ पर लिखेंगे। वैसे ही हम लायबिलिटी में देख लें तो लायबिलिटी में क्रेडिटर है 15,000 के, कोई चेंजेस नहीं है। बिल्स पेबल है 10,000 का, कोई चेंजेस नहीं है। कैपिटल अकाउंट हमने बनाया तो कैपिटल बैलेंस हमको मिला आशीष के हिस्से का 97,400
दत्ता के हिस्से का 46,600 और विमल के हिस्से का 36,000। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट हमारी 2,05,000 पे क्लोज हो जाती है। तो ये तो हमने बात की संपत्ति और दायित्व के सामान्य पुनर्मूल्यांकन और सामान्य रूप से उनका समायोजन करने की। कई बार हमको स्मरण पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में जबकि एक फर्म के जो साझेदार होते हैं, सभी साझेदार, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो नया साझेदार है वो भी शामिल होता है, ये सब आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं कि फर्म के जो संपत्ति और दायित्व है उनको पुराने मूल्य पर ही प्रदर्शित किया जाए। यानी कि हमने रिवैल्यूएट करके उनके जो संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो परिवर्तन का हमने आकलन किया उसको कहीं पर शो ना किया जाए। तो ऐसे कंडीशन में हमको एक संस्मरण पुनर्मूल्यांकन खाता, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है। और जब हम इस तरह से लेखे करते हैं तो इसको हम देखते हैं कि दो भागों में ये बटा हुआ होता है। एक भाग में हम यहाँ पे नॉर्मल जो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते थे वैसा ही लेखा करते हैं, और दूसरे भाग में हम इसके जस्ट अपोजिट एंट्री कर देते हैं। यानी जिन खातों को हमने पुनर्मूल्यांकन में डेबिट किया था उनको अब हम क्रेडिट कर देते हैं, और जिन खातों को हमने पुनर्मूल्यांकन में क्रेडिट किया था उनको हम डेबिट कर देते हैं। तो बच्चों, साझेदारी के इस पूरे अध्याय में आपने देखा कि कैसे जब किसी फर्म में एक नया साझेदार प्रवेश लेता है तो उस फर्म के लेखांकन की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। आपने देखा कि किस तरह से जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो वो अपने हिस्से के पूंजी के लिए कुछ रकम लाता है, उस रकम को हम किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रविष्ट करते हैं, कैसे हम उसकी एंट्री करते हैं, क्या करते हैं हम उस रकम का, कैसे हम निपटारा करते हैं। ऐसे ही पूंजी के साथ साथ ख्याति की राशि, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि वो ख्याति के रूप में राशि लाता है या नहीं लाता, या आंशिक रूप से ख्याति की जो राशि है उसको नगद और संपत्ति के रूप में फॉर्म में लाता है, और इन अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से फॉर्म की पुस्तकों में ख्याति का लेखा किया जाता है इसके बारे में हमने जाना। इस अध्याय में हमने कुछ नई बातों को भी जाना, जैसे कि संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होने पर कैसे हम उसको जनरलाइज करते हैं, कैसे हम उसकी प्रविष्टियां करते हैं। अगर साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है तो हम क्या करते हैं। एक कंडीशन हमने ये भी देखी कि अगर फॉर्म की पुस्तकों में ख्याति पहले से विद्यमान हो तो हम क्या करें। लास्ट में हमने देखा कि संस्मरण पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट रोल रखता है ये किसी भी साझेदारी फॉर्म के लिए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नए साझेदार के फॉर्म के प्रवेश के साथ साथ ही साझेदारी के अंतर्गत जितने भी खाते बनाए जाते हैं उनके बारे में मैक्सिमम हमने जानकारी अभी तक प्राप्त कर ली है, और इन्हीं जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए हम अपने आगे के अध्याय में, जहाँ हम किसी साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, तो इनके आधार पर ही हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि दो कंडीशन है जब फर्म का जो लाभ हानि विभाजन अनुपात है वो परिवर्तित हो जाता है, या तो कोई साझेदार, नया साझेदार फर्म में प्रवेश करे या फिर कोई साझेदार फर्म से निकल जाए। अब वो निकलता कैसे है, रिटायरमेंट भी ले सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, या किसी नियम के तहत उसको फर्म से निकाला जाए, तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे साझेदार फर्म में आए या कोई साझेदार फर्म से जाए, दोनों ही कंडीशन में जो लेखे होते हैं फॉर्म के वो काफ़ी परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम अपने आगे के अध्याय में पढ़ेंगे कि कैसे जब एक साझेदार फॉर्म से निकल जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो साझेदारी फॉर्म के खातों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका लेखा हम किस प्रकार करते हैं।